दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है, शाम तक खरगोश सही था और सुबह आए देखा आपने खरगोश मरा हुआ मिला, तो ऐसा क्यों होता है, इन समस्याओं के क्या कारण हैं, क्या उपचार हैं, इन समस्याओं पर आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी और हम आपको बताएंगे कि किन कारणों से आपका खरगोश सुबह मरा हुआ मिलता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर, शाम तक हमारा खरगोश एकदम सही था, घूम रहा था, टहल रहा था और सुबह आए तब हमने देखा केज में वो मरा हुआ पड़ा है, तो इस समस्या का क्या कारण है। ये देखिए, छोटी नहीं बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। बहुत सारे फार्मर्स हैं, रैबिट फार्मर्स हैं, जो हमारे घर में जो एक चार रैबिट रखे हुए हैं वो लोग इस समस्या को आए दिन फेस करते हैं। रैबिट फार्मर्स जब हमारे फार्मर में जब हमारे फार्म में आते हैं सुबह सुबह, देखते हैं कि केज में कोई ना कोई खरगोश उनको मरा हुआ मिलता है, तो भैया इस समस्या को कैसे आप खत्म करेंगे, इस टॉपिक पर आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी। देखिए, जो होता क्या है कि ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, जब शाम में आपका खरगोश स्वस्थ था, बिल्कुल पूरी तरीके से खाना खा रहा था और सुबह वो मरा मिला, तो ऐसी समस्याएं रात में क्या हो गई कि वो मर गया। इस समस्या के लिए क्या होता है, रैबिट के जो लीवर है, डाइजेशन फंक्शन है, उसका चोक हो जाना, कहीं ना कहीं उसके डाइजेशन फंक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रात को आई है, जिसके कारण उससे गैस इशूज हो जाते हैं। देखेंगे सुबह पेट बिल्कुल ये मोटा फूला हुआ डमडम की आवाज़ करता हुआ मिलेगा और आपको बिल्कुल उसका यूरिन भी रुका हुआ मिलेगा और खरगोश आपका बिल्कुल डेड मिला हुआ मिलेगा, या फिर बिल्कुल उसकी आखिरी आखिरी सांसें चलती हुई मिलेंगी, जो फिर आपको उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी समस्याओं के निदान के लिए आज मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप लोगों को बता दूंगा कि भैया किस दवा का आप इस्तेमाल करिए तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है हमारे यूपी में, एमपी में, बिहार में और आसपास का जो एरिया है इधर, बहुत टेम्परेचर तो 35 डिग्री के आसपास है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हवाएं नहीं चल रही हैं, जिसके कारण खरगोश सारे दिन हंफ रहे हैं। ब्रीडिंग सीजन आ गया है, अब मादाएं बच्चे दे रही हैं, यदि लाइट चली जाती है या फिर लाइट की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऐसी अवस्था में खरगोश का बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हो जा रहे हैं। मादाएं मैचिंग नहीं कर रही हैं, मेल खरगोश बार बार फीमेल्स के ऊपर चल रहे हैं पर डिस्चार्ज ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर इस समय पानी की कमी भी आ चुकी है। अब आप लोग कोशिश करें कि दिन में 3 बार हो सके तो अपने रैबिट को पानी रखें, सुबह रखा थोड़ा कटोरी में पानी अगर रखा भी है तो उसको साफ करके ना दें, दोपहर को फिर ताज़ा पानी भर दें और शाम में फिर ना के ताज़ा पानी भर दें, हो सके तो इतना काम जरूर करें वरना 2 बार पानी तो बिल्कुल कंपलसरी है। तो अब बात चल रही थी कि सुबह खरगोश मरा हुआ क्यों मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे रैबिट ने आपके फीड खाया रात में, अब उसके किसी भी तरीके का पेट में गैस इश्यूज हो गया, एज एग्जांपल जैसे हम लोगों के कभी कभी कॉलरा पड़ जाता है, तो रैबिट देखिए जाना जाता है अपने कमजोर पाचन तंत्र के लिए, तो ऐसी अवस्था में आपके क्या करना है, तो जब आपने देखा जब आप देखते हैं, पहले तो ये बता रहे हैं मरा क्यों मर जाता है, जब खरगोश सुबह रात जब आपने देखा कि आपका जो रैबिट है सुबह मरा हुआ मिला तो उसको क्या हुआ, उसके रात के उसके पेट के अंदर गैस इश्यूज हो गए, बहुत सारी गैसेस क्या हुई उसके पेट के अंदर बन गई, जिसके कारण वो ओवरफ्लो हो गई, उसके पूरे पाचन तंत्र को उन्होंने छोटी आंत बड़ी आंत लीवर फेफड़ा किडनी बिल्कुल सबको उसने ग्रसित कर दिया पूरी तरीके से। जब गैसेस ओवरफ्लो हो जाती हैं तो ऊपर चढ़ने लगती हैं और फिर खरगोश के लंग्स पर अटैक हो जाता है उन गैसों का, फिर वो गैसेस लंग पे आ जाती और यहाँ पर गर्दन के पास एक फंदा बना देती हैं, जिसके कारण खरगोश सांस नहीं ले पाता है और दम घुटकर उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी समस्याएं ना आए, निदान उनका, और देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसी समस्याएं आती क्यों हैं। भैया ऐसी समस्याएं आती हैं, कभी कभी खरगोश जब फंगस भरा फीड खा लेता है, गंदगी खा लेता है, और या फिर कभी कभी आवश्यकता से अधिक टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा आपके रैबिट फार्म में समस्याएं बढ़ने लगेंगी, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा आपके फार्म से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए अब आपको हाई टेम्परेचर पे अपने रैबिट को कैसे बचाना है, तो देखिए यदि रैबिट के अंदर कोई भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं या फिर उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है,
कि जैसे होती क्यों है, क्योंकि जैसे फीड खाया उसने हल्का फंगस आ गया, या फिर खरगोश को हमने घास डाल दी उसी पे वो लैट्रिन बाथरूम भी कर देता है और फिर वो खा लेता है, खरगोश अपनी पॉटी भी खा जाता है। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया है हमारे यूट्यूब चैनल में, जाके देखिए। अभी 2 से 3 दिन में हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और हमारे फार्म में लाइट की भी व्यवस्थाएँ नहीं है, इसलिए हमको अपने खरगोशों को नीचे छोड़ना पड़ गया। अब देखिए, अब यदि आप इस कंडीशन में अपने खरगोशों को नीचे छोड़ देंगे 100% वो मर जाएंगे, लेकिन हमने अभी 200 खरगोशों को अपने नए बच्चे जो है उनको छोड़ दिया है, पेरेंट को ऊपर है, और एक भी बच्चा अभी तक 4 से 5 दिन में डैमेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो एक दवा हम डेली पानी में मिलाकर देते हैं, यदि वो आप दे रहे हैं, यदि आपका खरगोश जमीन में रहता है, बहुत सारे लोगों के पास केज नहीं है, उनके खरगोश जमीन में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये दवाएं बहुत जरूरी हैं। या फिर कॉलोनी सिस्टम में रखते हैं आप अपने खरगोश को, यानी बहुत सारे खरगोश एक पास या एक रूम में या कहीं व्यवस्था बना रखते हैं आप, वहां पर रखते हैं, तो ऐसी अवस्था में खरगोश एक दूसरे के पास रहता है, गंदगी एक दूसरे की खाता है, तो खरगोश के मरने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जैसे हमने अपने डेविड फार्म में अधिक टेम्परेचर हो जाने के कारण हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उनको नीचे छोड़ दिया। अब क्या होगा, खरगोश नीचे की जमीन पर अपना पेट चिपका कर बैठ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में उनको मरने से बचाने के लिए जो उनके उसको पानी में दवा मिलाकर देनी है। खरगोश मरता क्यों है? जब वो फंगस और गंदगी भरा फीड खा लेता है। अब हमारे रैबिट नीचे हैं तो वो गंदगी भरा फीड ही खा रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए हमको क्या करना है, डेली उसके खाने में या पानी में, हम तो इस समय डेली पानी में 3 जगह पर इतना इतना पानी पिपिया में कर काट के हमने बना रखा है, उसी में रख देते हैं और उसी में वो एक एक ढक्कन दवा पर डे हम मिला देते हैं। और यदि आपके रैबिट फार्म में या घर में खरगोश जरूरत से अधिक मर रहा है तो उसका 2 ही कारण होता है। पहला तो जुकाम, खरगोश के नाक पर पानी आता है, फिर उसको धीरे धीरे क्या होता है, वो CRD में चेंज होता है, हो जाता है क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज में। फिर उससे क्या होता है, खरगोश के लंग्स जो है, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है नाक से लेकर यहाँ फेफड़े तक का, वो पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है, खरगोश को बहुत ज्यादा नाक आने लगती है, फिर धीरे धीरे हांफने लगता है। ऐसी अवस्था में आने के बाद फिर खरगोश के निमोनिया बुखार पकड़ लेता है और फिर निमोनिया बुखार से उसकी मृत्यु हो जाती है। निमोनिया बुखार का अटैक खरगोश के फेफड़ों पर होता है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। यदि आपके खरगोश के जुखाम है और निमोनिया की शिकायत लग रही है तो तुरंत उसके नाक से लेकर नीचे यहाँ गले में और उसके जो नीचे के सीना है उसमें विक्स वोप्रप की मालिश करें, उसको तुरंत फायदा मिल जाएगा। और यदि खरगोश के जुखाम नहीं है आपके और फिर भी वो बीमार सा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके लीवर या डाइजेशन फंक्शंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। इस समय जब टेम्परेचर ज्यादा है, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो दवा हम आपको अभी बताएंगे उसको आप रेगुलर देते रहिए, आपके खरगोश की मोर्टेलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कई सारे रैबिट फार्मर्स ने हमको नंबर दिया कमेंट बॉक्स में, और एक्चुअली इतने कमेंट आते हैं आजकल कि पुराना कमेंट खोजना मुश्किल हो जाता है। मैंने सोचा था उनको फोन करेंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि सर हमारे रैबिट फार्म में मोर्टेलिटी इस समय बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके समस्या के लिए यदि उन लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब किया है तो आज ही वो लोग ये वीडियो देख लेंगे, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये वीडियो को देखेंगे और समझ जाएंगे कि हमको अपने रैबिट फार्म में मोर्टेलिटी को कैसे कंट्रोल करना है। अब देखिए, पहली तो बात हो गई कि खरगोश के मरने की जुखाम और बुखार, जुखाम से निमोनिया बुखार बनता है, फिर वो खरगोश आपका मरता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जेंटामाइसिन 0.7 ml प्लस 0.3 ml बेलामिन मिला के 1 ml इंजेक्शन का डोज बनाएंगे और अपने खरगोश को सुबह के एक बड़े खरगोश को 1 ml देंगे। खरगोश छोटा है तो आधा ml दीजिए, और छोटा है तो और थोड़ी मात्रा कम कीजिए, मतलब 70% जेंटामाइसिन और 30% बेलामिन। अब देखिए जेंटामाइसिन का है, जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि खरगोश के अंदर इंफेक्शन और बुखार को खत्म करेगी, और बेलामिन क्या है, एक बी कॉम्प्लेक्स और लीवर स्ट्रेक्स का कॉम्बिनेशन है। देखिए जब भी हमारे पूर्वज बड़े कह गए हैं कि इंसान के जुखाम कब होता है, जब उसका लीवर या डाइजेशन फंक्शन गड़बड़ होता है, उसके पेट में कोई ना कोई समस्याएं आती हैं, इसलिए जो दवा हम बताएंगे
वो हर एक खरगोश के चारों तरफ एक उसके एक समझिए कि एक आवरण पैदा कर देगा, जिसके कारण खरगोश बीमार ही कम होगा, जुखाम भी कम होगा और लीवर की डाइजेशन फंक्शंस भी कम होंगी। देखे हमने नीचे खरगोश 200 बच्चों को छोड़ दिया है, तकरीबन 2 kg के आसपास के हैं, तो ये मान के चलिए 1,00,000 रुपए का रिस्क हमने ले लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास कम केस था, केस के अंदर बच्चे थे, इस समय नीचे नहीं छोड़ना है किसी को खरगोश को, लेकिन हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है, और इसलिए जब क्योंकि ज्यादा गर्मी जब मई जून में होती है तो हम ब्रीडिंग सीजन ही ब्रीडिंग रोक देते हैं। अब बढ़िया मौसम आ गया, लेकिन हो सकता अब इस बार गर्मी ज्यादा देर तक पड़ रही है, मई जून में बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन इस समय जो गर्मी है टेम्परेचर डाउन हो जाना चाहिए था, जो कि बारिश ना होने के कारण अभी नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे कि हाँ बेला मिल, और हम लोग बात कर रहे थे जेंटामाइसिन की, तो जो बेला मिल होता है जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक हो गया, बुखार उखार को खत्म करेगा, इन्फेक्शन को खत्म करेगा, और बेला मिल हमारा क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स लीवर स्ट्रेप्स, मतलब कि खरगोश के पेट में जब ये बॉडी में इंजेक्शन जाएगा तो एक दवा काम करेगी उसके इन्फेक्शन पर और एक दवा काम करेगी उसके लीवर डाइजेशन फंक्शन पर। तो खरगोश का जब पेट स्वस्थ हो जाएगा, बुखार भी खत्म हो जाएगा, तो खरगोश अपने आप सही हो जाएगा। यदि आपका एक बड़ा खरगोश है तो 1 ml उसे सुबह लगाइए, ज्यादा इन्फेक्शन है तो 1 ml शाम को भी लगा दीजिए, अधिक बुखार या निमोनिया की समस्या है, और 2 दिन तक 1-1 ml सुबह शाम दे दीजिए। यदि बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है तो 1 ml सुबह दे दीजिए, फिर अगले 1 ml सुबह, यानी तकरीबन 1-1 ml आपको जेंटामाइसिन और बेलामिल का कॉम्बिनेशन बना के 4-5 दिन तक आप देते रहिए। देखिए एक्सटेंडेड डोज 3 दिन का होता है, यदि इन्फेक्शन रह जाता है आपको जरूरत लग रही है 4 दिन और 5 दिन भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 3 ही दिन दीजिए, या फिर और यदि जिनको इंजेक्शन लगाने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो भाई हमारे क्या करेंगे, इंड्रोफ्लॉक्सासिन ओरल सॉल्यूशन ला सकते हैं जिसकी 10% है, और उसकी 1 ml मात्रा आप अपने खरगोश को पिला सकते हैं। देखिए मेनकाइंड कंपनी का इंड्रो स्ट्रॉन्ग के नाम से आता है, वो भी बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। जियोडिट कंपनी का इंड्रोफ्लॉक्सासिन आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब इंड्रोफ्लॉक्सासिन 10% दे रहे हैं तो 1 ml पिलाएंगे एक दिन में, और 20% दे रहे हैं तो आपको 0.5 ml पिलाना है। इंड्रोफ्लॉक्सासिन जो मेनकाइंड का इंड्रो स्ट्रॉन्ग के नाम से आता है वो 20% होता है, उसको 0.5 ml से ज्यादा ना दें। अब यहाँ पर बात हो गई, यदि अब जुखाम बुखार खरगोश के खत्म है, अब जो सुबह आए और फार्म में खरगोश मरा मिला, तो इस समस्या का जो मेन कारण है वो बैक्टीरिया फंगस और वायरल भरा, मतलब बैक्टीरिया और फंगस भरा फीड खा लेने के कारण रैबिट के पेट में गैस इश्यूज पैदा होते हैं, या फिर वो अपनी पोटी अधिक खा ले, या फिर वो अपना यूरिन पी जा रहा है, या बहुत इस तरीके की समस्याएं हो जाने पर क्या होता है, उसके पेट में लीवर डाइजेशन फंक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपको हाईटेक ओरल सॉल्यूशन हाईटेक ओरल सॉल्यूशन को आपको, मैं क्या करता हूँ अपने 100 खरगोश जैसे हैं तो उनको 10 ml 15 ml तक हाईटेक इस समय डेली डाल के पानी में हम पिला दे रहे हैं, ताकि जो हमने पानी जमीन में रखते हैं 200 खरगोश है तो 30 ml हाईटेक ओरल सॉल्यूशन विरबैक कंपनी का डिवर्मर जो है वो हम डेली पानी में मिलाकर दे रहे हैं, और जिससे खरगोश पानी जब पीते हैं तो हाईटेक भरा पानी पीते हैं, तो जिससे उनके पेट के जो कीड़े बन रहे हैं, जो गैस्ट्रिक इश्यूज बन रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो डेली का डेली उनका पेट साफ हो जा रहा है, कोई नया वायरल यानी कीड़े बैक्टीरिया फंगस खरगोश के पेट में उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, या बच नहीं पा रहा है, या उनको पैदा होने की प्रक्रियाएं शुरू ही नहीं हो पा रही है, तो आपका खरगोश एकदम स्वस्थ और अच्छा बना रहेगा। तो जिन लोगों के खरगोश अनावश्यक तरीके से मर रहे हैं तो वो हाईटेक ओरल सॉल्यूशन मिलाकर लगातार कुछ दिनों तक देते रहें। जैसे कि एक खरगोश है तो आप 0.3 ml उसको रेगुलर वेज में दीजिए, और यदि आपके मान लीजिए कि फंगस या उसके कोई खुजली या फंगस आ गया, आपको 1 ml हाईटेक अपने खरगोश को मिलाकर पानी में पर डे देना है। एक बड़े खरगोश को, छोटा है तो मात्रा 0.5 0.4 0.3 करके ऐसे दीजिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक था खरगोश रात में
स्वस्थता और सुबह मरा क्यों मिलता है इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई हो गई है। और कोई आपका टॉपिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।